हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हायरिज का मार्केटिंग मैनेजर बात करता हूँ। एक कंपनी का एक नया अपडेशन आप लोगों को उसको बारे में जानकारी देने के लिए ये वॉइस डालता हूँ। हायरिज अभी एक नया सिस्टम लेके आया। फर्स्ट परचेज में हम लोगों को जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है उसका साथ एक डिजिटल प्रोडक्ट कंपनी इंट्रोड्यूस किया, वो ये हायरिज का रिडीम कूपन। इसका जॉइनिंग अमाउंट है 699 रुपीज़ है, लेकिन इसका बीवी जो उसका इंसेंटिव पूरा वही का वही जैसा फर्स्ट परचेज में आप लोगों को पहला मिलता था, 200 बीवी मिलता है, तो उसका इंसेंटिव सेम है, कैपिंग सेम है, ये सब सेम है। खाली इधर प्रोडक्ट का 699 रुपीज़ में आप लोगों को आईडी एक्टिवेशन कर सकता है। इसका कुछ डिलीवरी चार्ज 50 रुपीज़ पहले हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट्स में देता था, वो सब इतना देने का जरूरत नहीं है। 699 रुपीज़ को आप लोगों को आईडी एक्टिवेशन कर सकता है। बाकी पूरा वही का वही सेम है, बीवी सेम है, कैपिंग सेम है, पूरा सेम है। ये जो आईडी एक्टिवेशन किया वो आईडी में आप लोग रिपर्चेस करने का टाइम आप लोग दो टाइप में इधर रिपर्चेस कर सकता है। एक हायरिज का जो शॉपी है वो शॉपी से हम लोग सामान खरीद करने का टाइम, नहीं तो हम लोग हायरिज ऑनलाइन शॉपी का साइट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, मल्टी वेंडर प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट आप लोग परचेस करने का टाइम भी आप लोगों को रिपर्चेस इनकम मिलता है। पहले आप लोगों को जैसा मिलता है ऐसा ही रिपर्चेस इनकम मिलेगा। प्लस आप लोगों को ये जो कूपन से एक्टिवेशन हो गया आईडी का, ऊपर से हम लोग रिपर्चेस करने का टाइम, रिपर्चेस इनकम का अलावा, रिपर्चेस इनकम जैसा मिलता है ऐसा मिलेगा, उसके अलावा आपको आप लोगों को एक कैशबैक मिलता है। जैसा आप लोग अभी एक 2000 रुपया का सामान खरीद किया, ठीक है, तो उसको बीवी होता है 200 रुपया, एग्जाम्पल बताते 200 रुपया, तो 200 बीवी का 80% मतलब 160 रुपीज़ होता है। ये जो 160 रुपीज़ ये 699 का कूपन से माइनस होके वो 160 रुपीज़ कैश बैक के रूप में आपका वैलेट में वापस आएगा, ठीक है। तो ये जो कूपन आप लोग शॉपिंग में लेके जाके उधर रिडीम करने का ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसा आप लोग शॉपिंग में जाके सामान पहला जैसा करता था, नहीं तो ऑनलाइन में मल्टीवेंडर से सामान परचेस करता था, ऐसे ही आप लोग परचेस करो, लेकिन हर टाइम आप लोग ये जो परचेस करने का टाइम आपको जो ये कूपन सिस्टम है 699 रुपीज़ का कूपन है, वो कूपन से जितना बीवी का सामान आप लोग परचेस किया वो बीवी का 80% अमाउंट नहीं मैं बताता हूँ, बीवी का 80% आप लोगों को वो 699 से माइनस होता है। बाद में वो पेमेंट 160 रुपीज़ विद 200 एग्जाम्पल बताते तो 160 रुपीज़ आप लोगों को वो पैसा आपको कैश बैक के रूप में आपको वैलेट में वापस आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग वो 699 रुपीज़ पूरा यूज़ कर सकता है, ठीक है। पूरा जो वो 699 रुपीज़ जीरो होने तक आप लोग ऐसा परचेस कर सकता है। तो क्या होता है, अभी हम लोग एक पेमेंट दिया 699 रुपीज़ दिया, वो जो पैसा का वैल्यू कितना होता है वो वैल्यू का सर्विस आप लोगों को मिला, नहीं तो वो वैल्यू का कैशबैक आप लोगों को मिला। तो कुछ लोग बताते हैं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट को इतना पैसा नहीं है, ऐसा कंप्लेंट कुछ नहीं आएगा। लीडर लोगों को काम करने को आसान होता है, बिजनेस डेवलप करने को आसान होता है, प्रोडक्ट डिले हो गया, नहीं तो प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं है, सब कंप्लेंट सुनने को नहीं चाहिए, आप लोग बस आंख बंद करके बिजनेस करने का, ठीक है। इधर प्रोडक्ट के डिले का कारण मेरा टीम स्लो हो गया, नहीं तो मेरा टीम को ये जो प्रोडक्ट नहीं मिला इस वजह से मेरा टीम डाउन हो गया, ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं आएगा। और साथ में क्या होता है, हम लोग 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज देने को नहीं चाहिए। हम लोगों का जॉइनिंग अमाउंट कम हो गया, पहले आप लोग 800 रुपया को आईडी एक्टिवेशन करता था, अभी आप लोगों को 699 को आईडी एक्टिवेशन कर सकता है, लेकिन वो जो आप लोगों को जितना बीवी मिलता है, जितना इंसेंटिव मिलता है, वो पूरा वही का वही सही मिलता है, ठीक है। यही है फर्स्ट परचेज, आज से वो जो कूपन अपलोड करता है
तो आज से आप लोग फिजिकल प्रोडक्ट भी है वो हम लोग नहीं हटाता है, वो प्रोडक्ट ऐसा ही है, जो जिसको चाहिए फिजिकल प्रोडक्ट वो यूज़ कर सकता है, जिसको कूपन चाहिए वो यूज़ कर सकता है, ठीक है, वो आप लोगों का मर्जी है। तो एक सिस्टम आज से इम्प्लीमेंट करता है तो मैक्सिमम बिजनेस बूस्ट करो। दूसरा एक बात, अभी एक नया गवर्नमेंट्स का कानून आता है तो वो सब रिकवर करने के लिए जो कूपन का सिस्टम हम लोग को मदद करेगा। दूसरा हम लोग एक दूसरा कूपन लेके आता है, वो तो डिजिटल में है, डिजिटल में 10,000 का कूपन है, 10,000 का कूपन है। ये 10,000 का कूपन भी ऐसा ही आप लोग यूज़ कर सकता है, जैसा मैं बताया फर्स्ट परचेज का कूपन यूज़ करता है, ऐसा ही आप लोग ये डिजिटल का कूपन भी यूज़ कर सकता है। वो डिजिटल का कूपन में भी आप लोग जितना सामान खरीद करता है, रिपर्चेस करता है, उसका बीवी का 80% ये जो 10% से कम हो के आप लोगों को वैलेट में वापस आएगा कैश फ्लो के रूप में, ठीक है। लेकिन इधर एक ये है, जो व्यक्ति पहला से डिजिटल किया, हम लोग ये सिस्टम आने का पहला से किया, उसको भी हम लोग उसको लो सब लोग कंसाइनमेंट एडवांस से प्रोडक्ट नहीं लेके 10,000 बस एडवांस दे के सब लोग ज्वाइन हो गया डिजिटल का, वो लोग को भी ये डिजिटल का कूपन मिलेगा, ठीक है। वो लोगों को भी ये डिजिटल का कूपन आज वो लोगों का वैलेट में आएगा, वो आईडी यूज़ करके ये लोग परचेस करता तो सब लोगों को ऐसा कैशबैक रूप में सामान मिलेगा। तो जिधर एजेंसी है उधर एजेंसी से सामान खरीद कर सकता है, जिधर एजेंसी नहीं है तो एजेंसी मल्टी वेंडर का ऑनलाइन से और आप लोग सामान खरीद कर सकता है, और इसका कुछ एक्सपायर टाइम नहीं है, आप लोग जब चाहिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो उसको आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम लोगों को कस्टमर केयर में फ़ोन करके पूछ सकता है। मेरे को लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया लगता है, आसान है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन का बात नहीं है। आप लोग ये कूपन लेके इधर उधर जाने को भी नहीं चाहिए, जो कूपन से आईडी एक्टिवेशन हो गया वो आईडी से आप लोग रिपर्चेस करने का टाइम आप लोगों को ऐसा कैशबैक मिलता है।